हेलो दोस्तों, तो आप सब कैसे हैं? आज हम बनाने जा रहे हैं अंडा भुजिया, जो कि खाने में बहुत स्वादिष्ट और बनाने में सबसे ईजी है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस चैनल में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बहुत सारे कमेंट आए थे कि अंडा का भुजिया बनाना है, अंडा का सब्जी तो सिखा लिया, अंडा का भुजिया कैसे बनाना है। तो आइए हम जानते हैं कि अंडा भुजिया कैसे बनाया जाता है। ज़्यादा आइटम चाहिए नहीं होगा इसमें। सबसे पहले अंडा लेना है, प्याज टमाटर हो गया, हरी मिर्च 2-3 और धनिया का पत्ता ले लिया। जो हमने प्याज लिया है, प्याज हमने एक ही यूज़ किया है, 2 अंडा यूज़ किया इसमें। प्याज को इस तरह से काट लेना है, आपको पीस पीस करके झिर झिर करके काट लेना है, पूरे अच्छे से काट लेना प्याज को। प्याज हमारा हो गया। इसके बाद जो टमाटर है, टमाटर को भी ऐसे ही काटना है आपको, जैसे कि हमने प्याज काटा है, पीस पीस करके बारीक बारीक करके देखो कुछ इस तरह से काट लेना है सारे टमाटर को। टमाटर भी हो गया। इसके बाद हमने धनिया का पत्ता लिया था, तो धनिया का पत्ता भी ऐसे काट करके रख लेना है साइड में। इसके बाद हमने 2 हरी मिर्च लिया, हरी मिर्च को भी काट लेना है पीस पीस करके। हरी मिर्च भी हो गया। ये हमारा सारा काटा पीटी हो गया, देखो कुछ इस तरह से दिख रहा है। कढ़ाई रख दिया, अब थोड़ा गर्म होने दे, गैस ऑन कर दिए, गैस ऑन करके गर्म होने दे थोड़ा। इसमें डाल देना आपको तेल, रिफाइंड तेल ये यूज़ किया हमने, आप चाहे सरसों का भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा डाल दिए जीरा, जीरा डालने के बाद हमने डाल दिया प्याज। प्याज को अच्छे से भून ले, इसको सारे प्याज को भून ले अच्छे से। प्याज जब गोल्डन रंग का हो जाएगा, इसके बाद डाल देना है आपको प्याज, हमारा थोड़ा पक गया। इसके बाद डाल दिया हमने हरी मिर्च, इसके साथ भी आपको मिक्स करना है थोड़ा सा। मिक्स करने के बाद डाल दिया हमने टमाटर जो काट के रखे थे, वही डाल देना है इसमें। इसको भी अच्छे से फ्राई कर लेना है आपको, 2 मिनट पकाना है, ज़्यादा नहीं। ये ओनली आपको 5 मिनट कवर करेगा पूरा रेसिपी बनाने के लिए। ये हमारा गोल्डन रंग का हो गया। इसके बाद डाल देना आपको अंडा, जो हमने 3 लिया है हमने अंडा, वही अंडा डाल देना इसमें। देखो कुछ इस तरह से डाल देना आपको, एक डाल दिया, ये हो गया दूसरा अंडा। अब इसको मिक्स करते रहना है आपको, अगर मिक्स नहीं करोगे तो नीचे लग जाएगा ये, तो खाने में स्वादिष्ट नहीं आएगा। मिक्स करना है, करते रहना है ये जब तक गोल्डन रंग का ना हो जाए ये। इसके बाद डाल दें आपने धनिया का पत्ता, जो कि हमने सबसे पहले दिखाया था। देखो सबसे इजी और सिंपल रेसिपी है, जो ये खाने में स्वादिष्ट और बनाने में सबसे ईजी है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।